करीब तकरीबन 100-110 की स्पीड में गाड़ी थी हमारा, 110 की स्पीड तो इतना जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पाता है। फिर भी जैसे कि जैसे हम लोग का बैठे हुए हैं तो हम लोग को ऐसा पता लगा कि ये दिल गवा दे दिया था कि ये पटरी से गाड़ी उतर चुकी है। हम लोग को ऐसा डर घुस गया था मन में कि पटरी से गाड़ी उतर गई है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो गया है। जैसे तैसे करके बाहर बैग वैग छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, जान बचाने के चक्कर में बाहर जैसे तैसे करके हम लोग निकले, कूद गए। कूदने के बाद जब बाहर देख रहे हैं तो इंजन में यहीं से दिख रहा था कि इंजन सब में आग लगा हुआ है, मतलब दो बार पलटी किया हुआ इंजन भी था। एक बुगी एक दूसरे बुगी के ऊपर भी था, जो हमारा B1 था, B2 था, B1 में हम लोग थे, B2 जो था, B2 बुगी मतलब जो गाड़ी अगर आ रही है पूरे पश्चिम से, पूरा उत्तर दक्षिण की ओर हो गई थी। शुक्रगुजार कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षित भगवान ने यहाँ तक पहुँचा दिया। दूसरा बात, हम प्रशासन से भी ये चीज़ देखें कि हम लोगों को कोई खातेदारी में कमी नहीं किया। शुक्रवार को मैसूर दरभंगा बागमती ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। देखिए कैसे चंद सेकंड के अंदर पहले ट्रेन बेपटरी हुई, उसके बाद ट्रेन के इंजन में आग लगी, एक बोगी के ऊपर दूसरी बोगी थी, उस वक्त कैसे कूदकर इस यात्री ने अपनी जान बचाई, इसकी आप बीती सुनिए। पहली बार हमारे साथ यह दुर्घटना हुआ, आज तक के दौर में नहीं हुआ था कोई भी ट्रेन से, पहली बार हुआ है, पर बहुत दुर्भाग्य से हम लोग बच के आए हैं सर। और यहाँ तक आने के लिए हम भगवान से शुक्रिया कर रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित अपने घर अपने गांव पहुँच चुके हैं सर। क्या हुआ था, हुआ सर था? बहुत तगड़ा, देखिए मालगाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, जिस जंक्शन पे दुर्घटना हुआ उस वहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी। मालगाड़ी खड़ी हुई को सिग्नल किसी ने बता, जैसे हम लोग को सुनने में आया कि सिग्नल दे दिया, हरी झंडी दे दिया, इसने गाड़ी चालू कर दिया। चालू करने के बाद करीब तकरीबन 100-110 की स्पीड में गाड़ी थी हमारा, 110 की स्पीड तो इतना जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पाता है। फिर भी जैसे कि जैसे हम लोग का बैठे हुए हैं तो हम लोग को ऐसा पता लगा कि ये दिल गवा दे दिया था कि ये पटरी से गाड़ी उतर चुकी है। हम लोग को ऐसा डर घुस गया था मन में कि पटरी से गाड़ी उतर गई है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो गया है। जी बहुत साउंड आया, बहुत तगड़ा साउंड आया था। इसके बाद क्या हुआ तो हम लोग क्या किए, हम लोग बाहर जैसे तैसे करके बाहर बैग वैग छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, जान बचाने के चक्कर में बाहर जैसे तैसे करके हम लोग निकले, कूद गए। कूदने के बाद जब बाहर देख रहे हैं तो इंजन में यहीं से दिख रहा था कि इंजन सब में आग लगा हुआ है। इंजन का हमको जो ऐसा लगा, हम पास में भी जा करके देखें कि दो बार पलटी किया हुआ इंजन भी था, एक बुगी एक दूसरे बुगी के ऊपर भी था, जो हमारा B1 था, B2 था, B1 में हम लोग थे, B2 जो था, B2 बुगी मतलब जो गाड़ी अगर आ रही है पूरे पश्चिम से, पूरा उत्तर दक्षिण की ओर हो गई थी। और वो बुगी जहाँ पर रुकी थी, जहाँ पर वो पानी है, पानी का नाला, पूरा पानी, इतना पानी में जो B2 का जितना भी कस्टमर थे वो B2 में पानी में कूद कूद के बैग लैगेज बैग फेंक के तब बाहर आया। ऐसे ऐसे करके हम शुक्रगुजार कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षित भगवान ने यहाँ तक। हादसे के बाद जिस अंदाज में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उससे भी ट्रेन यात्री गणेश बेहद खुश था। दूसरा बात, हम प्रशासन से भी ये चीज देखें कि हम लोगों को कोई खातेदारी में कमी नहीं किया। जगह जगह पे बेचारा हर एक चीज, यहाँ से यहाँ चलो, वहाँ से वहाँ चलो, अगर देखा पब्लिक ज्यादा, पहले तो स्टेशन पे ले गया, फिर देखा कि स्टेशन पे भाई यहाँ गुजारा नहीं होगा, बहुत पब्लिक ज्यादा है, तो हम लोग को मैरिज हॉल में ले गया। मैरिज हॉल में एक से गुजारा नहीं हुआ तो तीन मैरिज हॉल में हम लोग को ले गया। वहाँ पर भी खाना पीने का व्यवस्था, चाय पान ठंडा बिस्किट सभी का व्यवस्था किया। वहाँ पर भी कोई बड़े नेता साहब जी आए थे, उनका हम लोग नाम भूल गए, बोले हुए थे हम लोग भूल गए, तो वहाँ पर हमने देखे वो, लेकिन बोला था कि रातों रात हम आप लोग को नहीं भेज सकते, जैसे जैसे सुबह होगा वैसे वैसे आप लोग को सुविधा देंगे। और हकीकत में अगला दिया। वहां पर जाने के बाद क्या हुआ तो उसने तीन बजने के बाद 10-2 बस लाया, सरकारी बस लाया, 10-2 बस। 10-2 बस आने के बाद हम लोगों को क्या किया, उस बस में डाल के हम लोग को ले गया लोकल स्टेशन पर। जाने के बाद फिर वो लोकल ट्रेन लगी थी, हम लोग वहाँ के लिए चेन्नई के लिए हम लोग को भेजा गया। फिर चेन्नई आए, चेन्नई में हम लोगों का एक बागमती के बदले बागमती दी गई थी, जिसमें हम लोग अपना अपना साधारण तरीके से हम लोग बैठे, बहुत बढ़िया तरीके से। हम लोगों को फूड के लिए भी कोई तकलीफ नहीं हुआ, टाइम टाइम पे नाश्ता, चाय, खाना, हर एक चीज़ हम लोगों को प्रबंध किया गया। हम इसके लिए शुक्रगुजार करें सरकार से भी कि हम लोगों को जितना भी हेल्प किया, जरूरत के समय पे किया। चोट हमारे लड़का का B3 में, हमारा लड़का 3-2 लड़का, किसी का हाथ में चोट है, किसी का पांव में चोट है, किसी के सर में चोट है, तो वहां पर भी इलाज करने का सुविधा था। जो जो है
जैसे कि हम लोग को डर से हैबत से हम लोग को भी ऐसा हुआ, तो देखिए हम लोग भी दवाई लिए हैं, हम लोग को भी दवाई दिया अगला, देखिए सब कुछ दिया हुआ है। बता दें कि शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे के बाद आज दरभंगा ट्रेन के यात्री पहुंचे और सही सलामत पहुंचने के बाद यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर दर्द छलका। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दरभंगा से संवाददाता प्रहलाद की रिपोर्ट आप देख रहे थे।